तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो करते हैं न्यू ट्रेंड वीडियो, जब भी बनाते हैं तो कभी ना कभी कॉपी करते हैं। जैसे कि अभी श्रीदेवी का वीडियो जो था वायरल हुआ था, उसके साथ हमने वीडियो बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या गलती करते हैं, वो कॉपी करके वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे जो ना ही आपको टिकटॉक पर वीडियो मिलेगा, ना ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रिया प्रकाश। दोस्तों आप जो प्रिया प्रकाश के साथ कैसे आप वीडियो बना सकते हैं टिकटॉक पर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ लाइक एंड व्यूज आप बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रिया प्रकाश के साथ आप कैसे वीडियो बना सकते हैं इसी के ट्यूटोरियल जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिया प्रकाश ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही काइन मास्टर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यदि आप डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क नहीं मिलेगा। यदि आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। सबसे पहले आपको वीडियो इस टाइप का वीडियो आपको शूट कर लेना है। तो और दोस्तों चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन से कैसे आपको एडिट करना है। तो आपको यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो आपने ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो डाउनलोड किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो है आपको एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद इसे थोड़ी आगे की तरफ लेकर आना है और फिर से हमें इस वीडियो पर क्लिक करना है। कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर स्पीड कंट्रोल पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें स्लो मोशन कर लेना है वीडियो है, यहाँ पर हमें 9 से 10 सेकेंड के आसपास। इसके बाद इस वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद इसे फिर से हमें दो बार यहाँ बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद 16:9 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे, इसके बाद जो हमारा इस वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान में क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। और इसके बाद फिर से हमें वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। राइट साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट है ट्रिम टू राइट कर देना है। इसमें जो वीडियो जो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इसे थोड़ा हमें बड़ा कर लेना है। इसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया पर आना है। इसके बाद जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रोमा की पे आना है। क्रोमा की आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे की कलर जो है आपको यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद फिर से हमें क्रोमा की पे आना है कि आपको यहाँ पे हल्का हल्का हमें दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन, तो इसे फिर से हमें रिमूव कर देना। आप जो है हमारा प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन जो है रिमूव हो चुका है, इसको साइज़ को थोड़ा इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इस तरह से आपको सही तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद दो वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट बच चुका है उसे ट्रिम टू राइट कर देना है। और वीडियो जो हमारे यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें म्यूजिक चाहिए बैकग्राउंड में, तो म्यूजिक के लिए वीडियो पे आना है। वीडियो पे आने के बाद दोस्तों यहाँ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। यहाँ से आप वीडियो में से आइडियो को बाहर निकाल कर आइडियो को लास्ट तक लेकर जाना है। इसके बाद इस वीडियो का आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आइडियो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी डिलीट कर देना है। तो वीडियो जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें
HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और जो हमारा जो वीडियो जो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोग के चैनल पर अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।